रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज ब्रेड के गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ। मैंने 12 पीस लिए हैं, उसके किनारे मैंने काट लिए हैं। इसको अब मैं ब्रिक पाउडर बनाऊंगी, छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह जग में डाल दूंगी, इसका ब्रिक सा पाउडर बना लूंगी। अब मेरी ब्रेड रेडी है, मैंने इस तरह ब्रिक कर ली है। 1 कप मैंने दूध लिया था, उसको अच्छी तरह बॉईल कर लिया था। अब आधा कप रह गया है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी और आटा गूंदूंगी, इसका थोड़ा थोड़ा सा डाल के। इसको मैं 5 से 6 मिनट के लिए इस तरह गूंदूंगी, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के अच्छी तरह से, जिस तरह आटा गूंदते हैं इस तरह करूंगा। ये मैंने इस तरह गूंथ लिया है आटा 6 से 7 मिनट के लिए। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल बनाऊंगी गुलाब जामुन के। आप इस तरह बनाए, अगर बना के थोड़ा सा देख लें, अगर क्राक आए तो दोबारा फिर गूंथ लें, नहीं तो जब हम ऑयल में डालेंगे तो फट जाएंगे। ये देखिए इस तरह मैं और बनाऊंगी, बना के इसी तरह रख दी जाऊंगी, बाद में इसको फ्राई करूंगी। बॉल बना लिए हैं, अब मैं इसको फ्राई करूंगी। अब मैं इसको हल्का हल्का सा हिलाऊंगी, जो ब्रेड के हैं इसलिए हल्के हल्के हाथ से करें, टूटने दें। जब इसका थोड़ा सा कलर आएगा उस वक्त मैं मीडियम पे कर दूंगी, अभी हाई पे है। इसका थोड़ा सा कलर आ गया है, अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी। मीडियम पे करके फिर मैं इसे फ्राई करूंगी। मैं इसको, मेरे गुलाब जामुन बन गए हैं, अब मैं इसको गालूंगी। अच्छा सा कलर आ गया है, अब मैं इसके लिए चाशनी बनाऊंगी। ये 250 ग्राम शुगर है, इसमें मैं 1.5 बॉल पानी का डालूंगी। 1, अब मैं इसको मिक्स करूंगी, इसकी अच्छी सी गाढ़ा बन जाए, इसकी तार नहीं बनानी, गाढ़ी सी चाशनी बन जाए, फिर मैं इसमें गुलाब जामुन डालूंगी। अब मेरी चाशनी बन गई है, इस तरह की गाढ़ी सी हो गई है। मैंने 4 से 5 मिनट इसको पकाया है, अब मैं इसमें गुलाब जामुन डालूंगी। गुलाब जामुन डालते ही मैं इसको बंद कर दूंगी, इसको मैं इस तरह 1 घंटे के लिए रखूंगी। मेरे ब्रेड के गुलाब जामुन रेडी हैं। आप चाहें तो ऊपर से नट वगैरह भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाले। मेरे चैनल, मेरी रेसिपी अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।